ये ले, जब हम सेंट्रम की तरफ जा रहे हैं, एक हमने दुकान देखी है, इसके ऊपर वफल मिलते हैं, और यहाँ पे जो फ्रेश चॉकलेट है ये जो आपको नजर आ रही है, इसकी फाउंटेन, ये एक चॉकलेट का फाउंटेन, और ये देखिए बेल्जियम वफल्स के ऊपर, और ये सारी वफल की वैरायटी पड़ी है जो आप लेना चाहे ले जी। अब हम आ गए हैं बादशाह के कैसल में, जिनके बादशाह का जो महल है, ये ग्रैंड पैलेस है जी। ये ग्रैंड पैलेस है, वो बिल्कुल सामने, ये हाँ, ये जी सामने ग्रैंड पैलेस है, ये ब्रसल बेल्जियम में, और ये बेल्जियम के किंग का महल है ग्रैंड पैलेस। और अच्छा, इसमें गलती है, इस महल को जब बनाया गया था ना, या इसका जो आर्किटेक्चर था, उसने इसको बनाने के बाद वो सबसे ऊपर जो मीनार की तरफ नीचे का था, उसके ऊपर जाके खुदकुशी कर ली थी, और ये जो बनाया था उसमें सिर्फ एक गलती उसने कर दी थी, तो वो गलती अगर कोई जानता होगा तो उसको पता होगा वो गलती क्या थी, अदरवाइज मैं आपको आगे चल के वीडियो में भी वो बताता हूँ कि वो गलती क्या थी जिसने ये नमूना बनाया, इतना शाहकार बनाया, बनाने के बाद खुदकुशी कर ली, इसका दिल बर्दाश्त हो गया गलती की वजह से। This is the Grand Palace in Belgium, Brussels. A story led to this palace is very famous. The builder of the palace made a mistake due to which he committed suicide by jumping from the top. So I'll show you that mistake too. This is the Grand Palace. It is in Brussels, Belgium. Many tourists visit this palace to see and to see the place. This place is very beautiful. If you ever come to Brussels, you must visit this place. So guys, I will show you some more beautiful videos and places. So please like, subscribe, share and comment and hit the bell icon. ये ग्रैंड पैलेस है जड़ा, इहदे मुतलक एक स्टोरी बड़ी मशहूर है कि इहनू बनाने वाले ने एक छोटी जी गलती कर दी, जड़ी अगे आके मैं गलती तुहानू वहावांगा भी। कहते हैं कि इनू बनाने वाले ने इनू जो सारा मुकम्मल कर लिया, उन्हें जो वेख्या कि मेरे को गलती हो गई है, तो उन्हें मनार के उत्ते जाके जड़ी जगह भी उत्तों चढ़ के तो उन्हें थले छाल मार के खुदकुशी कर ली। तो यह जी ग्रैंड पैलेस का इलाका है जड़ा ब्रसल च, तो ब्रसल जड़ा बेल्जियम का कैपिटल सिटी है, बहुत खूबसूरत है। C'est le château de Royal. Ici, chaque année, beaucoup de touristes passent. Il y a beaucoup de passages pour des touristes, beaucoup. So guys, I'm going to show you that mistake and you have to look at it and find out what it is. तो जी मैं आपको वो गलती दिखाने जा रहा हूँ और आपने तलाश करना है कि वो गलती क्या है, जैसा कि वो अभी भी नज़र आ रही है, और आप देखेंगे कि ये गलती है। आप ज़रा गौर से देखें कि गलती है क्या, और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। सो दिस इज़ द डिज़ाइन, इट्स लाइक द पिलर, इट शुड बी इन द मिडल, बट इट इज़ अ लिटल टू दिस साइड, इट्स जस्ट अ मिस्टेक। सो जी यह जड़ा पिलर नज़र आ रहा है, इनू बिल्कुल दरम्यान च होना चाहिएगा सी, जंजा तुसी देख रहे हो दरवाज़ा है, तो इहदी जिहड़ी गुलाई है, यह पिलर जिहड़ा पिलर नमा जिहड़ा डिज़ाइन है, इहदे यह दरम्यान च होना चाहिए सी, लेकिन यह थोड़ा जिहा साइड ते हो गया, इहदी मिसटेक सी। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी मिसटेक जो आपको ये नज़र आ रही है कि ये जो पिलर नमा डिज़ाइन है जिस पे ये कुछ उन्होंने तस्वीरें भी बनाई हुई हैं, कुछ डिज़ाइन बनाया हुआ है, ये दरम्यान में होना चाहिए था, ये थोड़ा साइड पर चला गया, बस ये एक मिस्टेक है जिस वजह से इस महल को बनाने वाले ने इस मिस्टेक की वजह से खुदकुशी कर ली। जब ये मुकम्मल हुआ तो उसने देखा कि यार ये मेरे से गलती हो गई है, तो उसने खुदकुशी कर ली। तो खैर ये इसकी स्टोरी है, ये इसकी हिस्ट्री है जो काफ़ी फेमस है बेल्जियम में, ब्रसल में, और दूर दूर से लोग इसे देखने आते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं इनके दाएं बाएं भी बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं और बड़ी अच्छी लाइटिंग हुई है, और इधर काफ़ी ज़्यादा शॉप्स भी हैं, कैफ़ेज़ भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, जहाँ टूरिस्ट आते हैं अपना वक्त स्पेंड करते हैं। सो यह जगह जी बहुत खूबसूरत है, लाइटिंग देखो कितनी प्यारी लग रही है शाम के टाइम,
दिन के टाइम एक अलहदा मज़ा है, रात के टाइम एक अलहदा मज़ा है। तुम जो भी बेलजियम आओ जगह की जरूर सैर करो।